हेलो गाइस। सो आज हम सीटेट का 2019 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आज हम इसको सॉल्व करेंगे। आप ये देखिए, है ना। तो सबसे पहले हम चाइल्ड डेवलपमेंट के हिंदी और इंग्लिश दोनों को अटेंड करेंगे। आप इस वीडियो को देखें तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और हमारी वीडियो को लाइक करें, ताकि यहाँ पे आपको अच्छी से अच्छी वीडियो के तुरंत नोटिफिकेशन मिले, आप मिस ना करो, ठीक है। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पहले क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे, चिल्ड्रन जो जीन प्याजे थे, उन्होंने हमें ना वो दी थी, स्टेजेस दी थी डेवलपमेंट की। उन्होंने डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस दी थी, तो उन्हीं के आधार पे इन्होंने पूछा। अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे, चिल्ड्रन फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज दे मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है, लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर फॉलोइंग अ प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। थर्ड ऑप्शन दिया इन्होंने, कैन बी कंडीशनड टू बिहेव इन पर्टिकुलर वेज, बी केयरफुली कंट्रोल्ड स्टिमुलस रिस्पॉन्स एंड एसोसिएशन। फोर्थ ऑप्शन है, कैन बी टॉट टू बिहेव एंड लर्न इन स्पेसिफिक मैनर यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट। बेसिकली जो जीन प्याजे थे, उन्होंने बच्चों को कहा था कि वो अपनी वर्ल्ड को, अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे। उन्होंने बेसिकली कहा भी था कि जो चिल्ड्रन होते हैं वो एक रेडिकल कंस्ट्रक्टर होते हैं, मतलब अपनी नॉलेज को अपनी एज के अकॉर्डिंग खुद ही कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो जीन प्याजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पहला क्वेश्चन बिल्कुल सही, आंसर बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देयर आर इंडिविजुअल वेरिएशन इन द रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट, येट द सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इज फ्रॉम ब्लैंक टू ब्लैंक। जो हमारा मोटर डेवलपमेंट होता है वो कहाँ से कहाँ तक चलता है। सबसे पहले जब बच्चा छोटा होता है, वो एक जनरल चीज़ है, जैसे वो अपने हाथ से, अपने पूरे हाथ से किसी चीज़ को उठाना है, वो ये नहीं होता कि अपनी उंगलियों से किसी चीज़ को निकालेगा, अपना पूरा हाथ डाल लेगा उसके अंदर। अगर उसको कहीं लाइट दिख रही है तो उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा। तो इसमें देखो, सेफेलोकोडल टू प्रोक्सीमोडिस्टल, सेफेलोकोडल होता है कि जब हम, हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो हेड टू टोज जाता है, ठीक है। और प्रोक्सिमो डिस्टल होता है कि एक जो हमारी नेवल होती है ना, बीच में नाभि, नाभि से प्रोक्सी जो हमारी पेरिफेरी है, इसकी तरफ जो हमारा डेवलपमेंट जाता है। प्रोक्सिमो डिस्टल टू कैफोसोडल, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट टू फाइन मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। एंड फोर्थ ऑप्शन है, फाइन मोटर डेवलपमेंट टू ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। तो देखिए, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट, तो हमने इन्होंने पूछा कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो हमारा ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट टू फाइन मोटर डेवलपमेंट, बच्चे सबसे पहले ग्रॉस मतलब एक जनरल वे में बिहेव करते हैं, उसके बाद जब वो बड़े होते हैं उनके डेवलपमेंट एक फाइन उनकी चीज़ है, उंगलियों से वो अपना व्यवहार शुरू कर देते हैं, अपनी उंगलियों से लिखना शुरू कर देते हैं, चीज़ों को पकड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर होगा थर्ड, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट टू फाइन मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अ पीरियड ऑफ इंटेज द ट्रांजिशन ऑफ अडल्टहुड, जो अडल्टहुड होते हैं, जो आप अडल्टहुड में हमारे हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो स्टेनली हॉल ने तो इनको स्ट्रोम की भी एज कहा है, ठीक है, कि हमारे जो अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं वो इसमें आते हैं, इस एज में। तो इन्होंने इसमें पूछा है, एडोलेसेंस, मिडल चाइल्डहुड, प्री ऑपरेशनल पीरियड एंड चाइल्डहुड। तो जो हमारी अडल्टहुड है वो किसके ट्रांजिशन से बाद आती है, उसके जो हमारे ये होता है ना एडोलसेंट, एडोलसेंट्स के बाद हमारी आती है अडल्टहुड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड को होगा, पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। ए चाइल्ड आर्ग्यू दैट हाइंस शुड नॉट स्टील द डग, जो आपने पढ़ा ना हाइंस डायलेमा, इसमें था कि एक हाइंस होता है, उसकी बीवी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है, तो उस शहर में एक ही डॉक्टर होता है जो जिसके पास उस बीमारी की दवाई होती है। तो हाइंज जाके उससे रिक्वेस्ट करता है कि मैं आपको पहले हाइंज के बारे में बता देता हूँ, एक स्टोरी बड़ी इंटरेस्टेड है। तो हाइंज उसके पास जाता है कि डॉक्टर साहब मुझे दवाई दे दीजिए, मेरी जो पत्नी है बहुत ज़्यादा बीमार है। तो डॉक्टर उसको बहुत मेहनत से बनाता है, तो कहता है कि मैं इस दवाई को नहीं दूंगा, मुझे इसके बारे में उसके लिए 10 गुना पैसे चाहिएंगे। तो हाइंज के पास इतने पैसे नहीं होता, वो कुछ कुछ लाता है हाइंज जो उसके पास होते हैं, उतने पैसे लेकर आता है, तो डॉक्टर उसको देने के लिए मना कर देता है। तो हाइंज डिसाइड करता है, हाइंज डायलेमे में रहता है इस टाइम, कि
कि हैंज सोचता है या तो मैं इसको चोरी कर लूं या फिर अपनी बीवी को मरने दूं, तो डायलेमा रहता है। तो हैंज क्या करता है, उसकी जो चोरी होती है रात में उस दवाई को चोरी कर लेता है। तो इसी पे एक बच्चा आर्ग्यू करता है क्लास में कि हैंज को वो दवाई नहीं चुरानी चाहिए थी, उसकी बीवी को मर जाना चाहिए था, है ना, बिकॉज ही विल बी कैट एंड कॉट एंड सेंट टू जेल इफ ही डज सो। अगर उसने दवाई चुराई और ऐसा किया तो वो जेल जा सकता है। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, विच स्टेज ऑफ मॉरल अंडरस्टैंडिंग डज द चाइल्ड फॉल अंडर। अब हमें बताना है कि ये चाइल्ड जो आर्ग्यूमेंट कर रहा है ये किस स्टेज में फॉल कर रहा है। सबसे पहले हमारा ऑप्शन है द इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ऑफ ओरिएंटेशन, सेकेंड है द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, थर्ड है द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, एंड फोर्थ है द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। तो आप इसमें बताइए हमें फोर्थ का क्या सही होगा। अब आप खुद ही समझिए, जब बच्चा कह रहा है कि अगर उसने उसको किया, उसने चोरी की, तो उसको जेल भेज सकते हैं, तो बच्चा अभी किस स्टेज में है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, ठीक है, इस एज में बच्चा है अभी। तो हमारा इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा कर लेता हूँ। ले वाइगोत्स्की रेफर टू द वर्बल डायलॉग्स दैट चिल्ड्रन हैव विद देमसेल्व एज। जो वाइगोत्स्की ने बोला है कि जो बच्चा वर्बल डायलॉग्स करता है दैट हैव विद देमसेल्व, अब मतलब खुद से ही बातें करता है, वो खुद को ही गाइड करता है। सबसे पहले होगा इगोसेंट्रिक स्पीच, सेकेंड है प्राइवेट स्पीच, थर्ड है डिस्टोर्टेड स्पीच, एंड फोर्थ है प्रॉब्लमेटिक स्पीच। जब बच्चा खुद से ही गाइड करता है, आप भी देख लीजिए, जब कुछ आप कुछ काम करते हो या उसमें कुछ आपको कमी रह जाती हो तो आप बाद में बात करते हो खुद से ही, यार मुझे ना ऐसा कर लेना चाहिए था तो थोड़ा सही हो जाता, मैं ऐसा कर लेता तो और सही हो जाता। तो ले वाइगोत्स्की ने इसको कहा है प्राइवेट स्पीच, कि हम खुद से ही बातें कर रहे हैं, है ना। अब हम चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। एसोसिएटिंग टॉयज आर्टिकल एंड क्लोथिंग हाउस होल्ड आइटम्स ऑक्यूपेशन एंड कलर विद स्पेसिफिक सेक्स इज डेमोस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट, कि हम बच्चों को उसके अलग उसके जैसे बच्चे होते हैं, गर्ल होती है बॉय होते हैं, हम उसको टॉयज देते हैं कि ये तो कार से खेलेगा, ये गन से खेलेगा, और लड़की खेलेगी या तो सॉफ्ट टॉयज बेसिकली टेडी डॉल इस तरह के टॉयज से खेलेगी। हम उनके सेक्स के स्पेसिफिकली उनको टॉयज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इसमें हमें इनका आंसर देना, फर्स्ट है इन्वर्ट जेंडर आइडेंटिटी, सेकेंड है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, थर्ड है जेंडर जेंडर थ्योरी, एंड फोर्थ है जेंडर रेलिवेंस। तो आप हमें इसमें सबसे रेलिवेंट आंसर बताइए, ठीक है, जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा। इसमें जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, कि बच्चा जो है वो कार से खेलेगा, गन से खेलेगा, और जो लड़की है वो खेलेगी टॉय से, सॉफ्ट टॉय से, डॉल से। तो ये है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, ठीक है। तो हम चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पसंद आ रहा हो लेक्चर। तो इन एन एलिमेंट्री क्लासरूम इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ब्लैंक द एक्सपीरियंसेस दैट चाइल्ड ब्रिंग विद हर। एलिमेंट्री क्लासरूम में अगर कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो हमें क्या मतलब क्या करना चाहिए, अगर वो अपने कल्चर से आ रहा है उसके साथ उसकी कुछ कल्चर की प्रॉपर्टी साथ में लाएगा वो, कि उसकी लैंग्वेज, उसका खाने का तरीका, उसका खाना, मतलब उसके कल्चर होगा जो बच्चे के साथ एसोसिएटेड होगा, तो टीचर को जो उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए, उसको नेगलेक्ट मतलब डिने कर देना, यानी नेगलेक्ट, थर्ड है इग्नोर, एंड फोर्थ है बिल्ड ऑन। तो हमें टीचर को क्या करना चाहिए बेसिकली, तो डिने करना चाहिए बिल्कुल नहीं, नेगलेक्ट करना चाहिए नहीं, इग्नोर करना चाहिए उस बच्चे को नहीं, उस बच्चे को शामिल करना चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि आप शेयर करो अपनी चीज़ों को इस पर, अपनी कष्ट खुद जो अपनी नॉलेज है सबको शेयर करो, ताकि बच्चे भी उसकी उससे रूबरू हो जाए। एट क्वेश्चन है ए टीचर शुड, फर्स्ट ऑप्शन है मिनिमाइज कॉम्प्रिहेंशन अमंग स्टूडेंट, सेकंड है प्रमोट स्टूडेंट बिलोंगिंग टू सर्टेन कल्चर, थर्ड ऑप्शन है इग्नोर कल्चर डिफरेंस एंड डाइवर्सिटीज अमंग स्टूडेंट, फोर्थ है कम्युनिकेट दैट सी रेस्पेक्ट्स एंड वैल्यूज ऑल कल्चर इन द क्लासरूम। तो एज अ टीचर हमें बताना है कि जो टीचर है टीचर को क्या करना चाहिए, ठीक है, मिनिमाइज कंपैरिजन अमंग स्टूडेंट, की हमें जो कंपैरिजन है उसको मिनिमाइज करना चाहिए, मिनिमाइज नहीं उसको तो कंपैरिजन को तो बिल्कुल ही ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है। टीचर कंपेयर नहीं करेगा कि ये बच्चा इस रिलीजन से, ये उस रिलीजन से, ये अपर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है, ये तो हमें करना ही नहीं चाहिए एज अ टीचर।
एज एक गुड सिटीजन भी। सेकंड ऑप्शन है प्रमोटिंग स्टूडेंट बिलोंगिंग टू सर्टेन कल्चर, कि एक कोई पर्टिकुलर कल्चर से एक बच्चा है उसको हम थोड़ा वैल्यू दे कि हाँ ये हाई क्लास है तो इसको अच्छा आगे बिठाएंगे, इसको अच्छी इसकी देखभाल करेंगे, ये वाला, ये बिल्कुल टीचर को नहीं करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है इग्नोर कल्चर डिफरेंस एंड डाइवर्सिटी अमंगेस्ट स्टूडेंट, जो कल्चर डिफरेंस है उसको इग्नोर करना चाहिए और जो उनके बीच में डाइवर्सिटी है उसको भी इग्नोर करना चाहिए। नहीं, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि बच्चा अलग सोसाइटी से आया, अलग कल्चर से आया, हमें इसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है कम्युनिकेट दैट शी रेस्पेक्ट एंड वैल्यूज ऑल कल्चर्स इन क्लासरूम, ये सबसे सही ऑप्शन है कि हमें सारे कल्चर का सबकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट डज राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एडवोकेट, जो हमारा 2009 जो RTE था, तो इसके तहत जो हमें क्लास में कुछ मॉडिफिकेशन मिले वो क्या था। फर्स्ट है इंटीग्रेटेड एजुकेशन, सेकंड है इंक्लूसिव एजुकेशन, थर्ड है सेग्रीगेशन एंड फोर्थ है मेन स्ट्रीमिंग। तो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन होता कि हम चीज़ों को इंटीग्रेट करके पढ़ाए, बच्चा अलग सोसाइटी से आ रहा है उसको भी इंक्लूड करें, ये अच्छी बात है इंटीग्रेटेड एजुकेशन। लेकिन जो 2009 RTE था इसने इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की थी, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन है ये हमारा, इसमें ऑप्शन तो हो जाएगा सेकंड सही, लेकिन सेग्रीगेशन ये होता कि बच्चों को हम अलग अलग कर दें कि ये अच्छा है ये ऐसा है इसको अलग करते हैं ना, उसमें हमें सेग्रीगेशन नहीं करना है। अब हम 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा ब्लैंक इज अ फिलोसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव द राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन रेगुलर स्कूल सिस्टम, ये किसकी फिलोसफी है, किसकी विचारधारा है। आप साथ साथ हिंदी में भी पढ़ सकते हो क्योंकि हिंदी जो पेपर आता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, ठीक है। इधर हिंदी का चल रहा है और ये हिंदी का चल रहा है, इधर ये इंग्लिश का चल रहा है, ठीक है। तो अब जो जिन्हें इंग्लिश में परेशानी हो थोड़ा हिंदी में पढ़ के इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ये किसकी फिलोसफी है कि जो ये राइट है टू गेट इक्वल एजुकेशन इन रेगुलर स्कूल सिस्टम, इंक्लूसिव एजुकेशन, मेन स्ट्रीमिंग, स्पेशल एजुकेशन एंड मल्टीकल्चर एजुकेशन। तभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, समावेशी शिक्षा, ठीक है। अब हम चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। ये एक मैचिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट दैट करेक्ट मैचिंग ऑफ चिल्ड्रन इन कॉलम ए विद देयर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉलम बी, ठीक है। गिफ्टेड, लर्निंग डिसेबल्ड, क्रिएटिव, हाइपर डिफेक्ट, अटेंशन डिफेक्ट, हाइपर डिफेक्टिव डिसऑर्डर, ADHD। ADHD होता है कि जब बच्चा बड़ी जल्दी एक डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, अपनी चीज़ों से भटक जाते हैं, ठीक है। अब ADHD का हमें पता चल गया कैरेक्टर क्या है, वो अपनी बड़ी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। एबिलिटी टू लर्न क्विक एंड इंडिपेंडेंस, ये तो नहीं है, आपको दो फाइंड करना है फिर तो सारे लग जाएगा खुद ही। टेंडेंसी टू गेट डिस्ट्रैक्ट इजिली, हमने फोर्थ का क्या लगाया है, सी। तो फोर्थ का देखिए सी सेकेंड वाले ऑप्शन में है ना, सेकेंड वाले ऑप्शन में, ठीक है। और अब देखिए इसमें जो होता है क्रिएटिव, क्रिएटिव कौन होता है, एबिलिटी टू लर्न क्विकली एंड इंडिपेंडेंटली, ठीक है, एबिलिटी टू लर्न क्विकली एंड इंडिपेंडेंटली, या कैन वी थिंक अबाउट ओरिजिनल सॉल्यूशन, जो जो बच्चे ओरिजिनल सॉल्यूशन से होते हैं उनके पास वो क्रिएटिव होते हैं, ठीक है। हमें बी का, थर्ड का बी मिल गया और फोर्थ का सी मिल गया, तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन क्या लग रहा है आपको, सेकेंड है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन, द चिल्ड्रन इफेक्टिवली लर्न इफेक्टिवली व्हेन द टीचर फुल्ली कंट्रोल एवरीथिंग दैट हैपन इन द क्लास इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन है वो ज़्यादा इफेक्टिवली कब सीख पाएगा, जब टीचर का हर चीज़ पे कंट्रोल हो कि बच्चा इधर ना जाए उधर ना जाए ये ना करे वो ना करे, तो जब बच्चा बिल्कुल भी सही नहीं सीख पाएगा। दैट मेमोराइज द फैक्ट गिवन इन द टेक्स्ट बुक, की जो बुक में जो तथ्य दिए गए हैं उनको वो रट ले और उससे वो अच्छे से सीख पाएगा। नहीं, द कॉपी आंसर रिटन बाय द टीचर ऑन द ब्लैक बोर्ड, जो टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया उसको कॉपी कर लिया बच्चे ने सीख लिया, ये तो होता ही नहीं कि मतलब बच्चे को रिटन वर्क दो होमवर्क दो और वो सीख जाएंगे। और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास द एक्टिवली पार्टिसिपेशन इन डिफरेंट एक्टिविटीज एंड टास्क, तो ये है कि हम बच्चों को एक्टिविटी में पार्ट करें, इनको हिस्सा लेने के लिए कहे, तब बच्चा एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें सीखता है ना।
तो एक सबसे बेटर वे है कि हम उनको एक्टिवली पार्टिसिपेशन, जिस भी ऑप्शन में आपको एक्टिवली पार्टिसिपेशन दिख जाएगा ना, वो आंसर सही होगा मोस्टली 99%। ठीक है, इसमें हमारा क्या हो गया, फोर्थ क्वेश्चन सही हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं 13 क्वेश्चन पे। चिल्ड्रन शुड क्वेश्चन इन द क्लास, बी एनकरेज टू आस्क, बी डिस्करेज टू आस्क, नॉट अलाउड टू आस्क, बी स्टॉप्ड फ्रॉम आस्किंग। बच्चे को हमें अगर क्वेश्चन पूछ रहे तो हमें क्या करना चाहिए, बी एनकरेज टू आस्क, बहुत सिंपल था। ठीक है, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते 14 क्वेश्चन पे, जो आज के लिए लास्ट होगा। ठीक है, 14 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की प्रोसेस थ्रू विच मीनिंगफुल लर्निंग अकर्स। आप देख लीजिए नोट, ये आप क्वेश्चन में पढ़ लीजिएगा नोट पे और ध्यान दीजिएगा, वरना आपको नंबर कट जाएंगे आपके। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की प्रोसेस थ्रू विच मीनिंगफुल लर्निंग अकर, मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस, इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन, एक्सप्लोरेशन एंड इंटरेक्शन। तो इसमें नोट की बात हुई, तो अभी हमने ऊपर ही देखा, मेमोराइजेशन जो होता है वो बेसिकली बिल्कुल भी एक सीखने की अच्छी प्रक्रिया नहीं होती। तो नोट के लिए हम लगाएंगे कि उनको कंठस्थ कराना या उनको मेमोराइजेशन कराना बिल्कुल भी एक अच्छी लर्निंग का इंडिकेशन नहीं है। सो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिकॉर्ड भी नहीं है।